मूवी की शुरुआत में हम एक बहुत बड़े राज्य को देखते हैं, जिस राज्य का नाम रामथेव था। उस राज्य के लोग मार्शल आर्ट के हीरो म्यूथाई और नाइन सत्र को अपना रक्षक मानते हैं। एक बार उस राज्य पर द हेक्सा नाम का मॉन्स्टर आक्रमण कर दिया, जिसके बाद उस राज्य और उस मॉन्स्टर के बीच में काफी लंबा युद्ध चला। लेकिन उस युद्ध के दौरान मॉन्स्टर जीत गए, जिन्होंने शाही परिवार को कैद कर लिया और साथ ही उस राज्य के मैजिकल स्टोन को भी चुरा लिया। और उन मॉन्स्टर ने एक योगी बाबा को पकड़ लिया, जिसके बाद वो उनसे अपना भविष्य जानने लगे। तब योगी बाबा ने कहा, आज ही के दिन जितने भी बच्चे पैदा हुए हैं उनमें से एक तुम्हारे मौत का कारण बनेगा, जो म्यूथाई की टेक्निक और नाइन सत्र से सारे मॉन्स्टर का खात्मा कर देगा और तुमसे छीनकर इंसानों का राज्य वापस लौटा देगा। यह सुनकर द हेक्सा आग बबूला हो जाता है। इसके बाद द हेक्सा अपने सैनिकों को आज के दिन पैदा हुए सारे बच्चों को कैद करने के लिए बोलता है, जिसमे रामथेव का एक प्रिंस भी था जो की आज के दिन पैदा हुआ था, और सारे म्यूथाई स्कूल को तहस नहस करने के लिए बोलता है। वही दूसरी तरफ हम बेन नाम के एक आदमी को मॉन्स्टर से लड़ते हुए भागते देखते हैं, जिसके पास एक छोटा सा बच्चा और नाइन सत्र का पत्थर है, क्योंकि वह इस राज्य को बचाना चाहता है। इसलिए जब उसे पता चला कि आज के दिन पैदा होने वाला बच्चा उन मॉन्स्टर का खात्मा करेगा, तो वह उस बच्चे और नाइन सत्र को लेकर भागने लगता है, क्योंकि यह बच्चा आज ही के दिन पैदा हुआ है। लेकिन जब वह एक रस्सी के बने ब्रिज को पार कर रहा था, तभी एक राक्षस उससे लड़ने लगता है, और इसी लड़ाई के दौरान रस्सी से बंधा हुआ ब्रिज टूट जाता है, जिससे बेन अपने बच्चे के साथ पानी में गिर जाता है और बहते हुए एक किनारे पहुंच जाता है, जिन पर एक बूढ़े आदमी की नजर पड़ती है, जो उन दोनों को उठाकर अपने घर ले जाता है। और इसी के बाद हमें बहुत सालों बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम उस बच्चे को देखते हैं जो कि अब काफी बड़ा हो चुका है, जिसका नाम ओट है, जो कि अपने फादर के साथ उस मॉन्स्टर से छुपकर उस आइलैंड पर रहता है। वहीं पर हम बेन को देखते हैं, जो कि नदी में गिरने के बाद से पैरालाइज्ड हो गया था, जो चाहता है कि ओट म्यूथाई की ट्रेनिंग करे। लेकिन ओट बहुत ही शरारती लड़का है, उसका इन ट्रेनिंग में बिल्कुल ही मन नहीं लगता। एक दिन ओट जब रात में सोया था, तो उससे बहुत ही अजीब और डरावना सपना आता है, जिसके बाद वो फादर से उस सपने के बारे में बताता है कि यह सपना मुझे रोज रोज क्यों परेशान करता है। तब बेन समझ जाता है कि अब ओट को सच्चाई जाननी चाहिए। तब बेन उससे बताता है कि बहुत सालों पहले मॉन्स्टर ने मुझे कैद कर लिया था, क्योंकि उन्होंने रामथेव पर हमला कर दिया था, जिसके बाद मैं एक हिडन रूम से होते हुए नाइन सत्र को लेकर भागते हुए एक गाँव पहुँचा, जहाँ तुम्हारे माता पिता मुझसे मिले और उन्होंने तुम्हें मुझको सौंप दिया और कहा कि इसे लेकर यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो ये भी मारा जाएगा। हालांकि मैं तुमको लेकर वहाँ से भाग गया, बट उस लड़ाई के दौरान तुम्हारे माता पिता मारे गए, और कहता है कि उस सपने में तुम जिन्हें मरते हुए देखते हो वो कोई और नहीं बल्कि वो तुम्हारे माता पिता हैं। जिसके बाद वे भविष्यवाणी के बारे में बताता है और कहता है कि तुम्हें प्रिंस के पास जाना होगा और उसकी मदद करनी होगी और अपने असली माता पिता की मौत का बदला लेना होगा। यह सुनकर ओट निश्चय करता है, जिसके बाद वो म्यूथाई की बहुत ही हार्ड ट्रेनिंग करता है और कुछ ही सालों में वो एक म्यूथाई योद्धा बन जाता है। एक दिन रात में कुछ मॉन्स्टर उस आइलैंड पर अचानक हमला कर देते हैं। यह देखकर ओट का टीचर उसे जल्दी से भागकर अपने फादर के पास जाने के लिए बोलता है, लेकिन ओट जब तक अपने फादर के पास पहुंचता है, तब तक वहां पहले से एक मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है और उन्हें जान से मारने ही वाला होता है। लेकिन ओट अपने फादर को किसी तरह से बचा लेता है। लेकिन कुछ ही टाइम बाद ओट और उसके फादर और उसके बूढ़े टीचर को बहुत सारे मॉन्स्टर ने घेर लिया था और उन मॉन्स्टर की संख्या काफी अधिक थी। दरअसल मॉन्स्टर ने अचानक से हमला किया था, इस वजह से ओट को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि वह करे तो क्या करे। जिसके बाद बेन उसे नाइन सत्र का पत्थर देता है और कहता है कि तुम इसे लेकर जल्दी से यहाँ से भाग जाओ। लेकिन ओट उन्हें इस हाल में छोड़कर वापस नहीं जाना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता न होने पर वो वहाँ से नाइन सत्र को लेकर भाग जाता है और उस लड़ाई के दौरान मॉन्स्टर बेन और उस बूढ़े टीचर को वहीं पर मार देते हैं। इसके बाद ओट भागते हुए कई गांव-गांव जाकर उस प्रिंस का पता पूछता है, जिसकी मदद के लिए उसके फादर ने भेजा था, लेकिन उससे वहाँ उनका कुछ भी पता नहीं चलता। लेकिन इसी दौरान उसे महसूस होता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है, और जब वह नाइन सत्र को चेक करता है तो उसमें वो होता ही नहीं। यह देखकर ओट बहुत परेशान होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि एक बंदर उसका नाइन सत्र चुरा कर उसे खाने की कोशिश कर रहा है। जिसके बाद ओट उस बंदर को पकड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी एक लाल राक्षस आकर उसे पकड़ लेता है और वह भागते हुए एक उड़ते हुए जहाज में चला जाता है, जिनका पीछा करते हुए ओट भी उस जहाज में चढ़ जाता है, जहाँ बहुत सारे लोग कैद पड़े थे और उसी कैद में एक बहुत ही खूबसूरत लड़की भी थी। तभी वह उस बंदर और उस रेड राक्षस को लड़ते हुए देखता है, जहाँ उसे पता चलता है कि वह दोनों एक अच्छे दोस्त हैं जिन्होंने उसे मूर्ख बनाया। तभी उन तीनों को बहुत सारे मॉन्स्टर घेर लेते हैं। हालांकि रेड मॉन्स्टर और वो बंदर काफी अच्छे होते हैं, जो कि ओट की सहायता करते हुए उन मॉन्स्टर से लड़ने लगते हैं। तभी वो खूबसूरत लड़की आजाद होकर ऊपर आती है और उसके सीटी बजाते ही एक उड़ता हुआ जहाज उसके पास आता है, जहाँ पर हमें पता चलता है कि वह लड़की भी एक पायरेट है, जो कि अपने साथियों को आजाद कराने के लिए ही यहाँ आए थे। जिसके बाद उसके सारे आदमी एक रस्सी की मदद से उस शिप में आ जाते हैं और उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, जिसके बाद सारे मॉन्स्टर बहुत ही बुरी तरीके से हारने लगते हैं। तभी वहाँ एक विशाल मॉन्स्टर आ जाता है, जिसे देख सभी लोग भागने लगते हैं, लेकिन वह लड़की अकेले ही उस मॉन्स्टर के बीच में फंस जाती है। यह देखकर ओट जल्दी से उस लड़की के पास जाता है उसकी मदद करने के लिए, और जैसे ही ओट और मॉन्स्टर का सामना होता है,
तभी बैग में रखे 9 सितर के पत्थर में अचानक से रोशनी आ जाती है और उसमें से एक एनर्जी निकलकर सीधे ओट के हाथ में लगकर एक शील्ड बन जाती है, जिससे ओट जैसे ही उस मॉन्स्टर को एक पंच मारता है वैसे ही मॉन्स्टर वहीं ढेर हो जाता है। हालांकि ओट ने पहली बार इस शक्ति का सामना किया था, इसीलिए वह पत्थर जैसे उसके हाथ से निकलता है ओट वहीं बेहोश हो जाता है। अब आगे वह लड़की ओट और उसके साथियों को एक पिंजरे में कैद करवा देती है। पिंजरे में मंकी उन्हें बताता है कि वह मंकी किंगडम का राजकुमार था, लेकिन द हेक्सा ने आक्रमण करके उसके पूरे साम्राज्य को नष्ट कर दिया। अब वह किसी भी हाल में द हेक्सा से बदला लेना चाहता है, जिसके बाद लाल राक्षस उन्हें बताता है कि उसका नाम मराठा है और वह अपने साम्राज्य का उत्तराधिकारी था, लेकिन उसे एक इंसानी लड़की से प्यार हो गया जो कि ऐसा करना उसके नियम के खिलाफ था, इसीलिए उसे उसके साम्राज्य से निकाल दिया गया और द हेक्सा ने उसके प्रेमिका को बंदी बना लिया है और वह अपनी प्रेमिका को वहाँ से आजाद कराना चाहता है। अब हमें पता चलता है कि अब तीनों का मकसद सिर्फ द हेक्सा को खत्म करना है, इसीलिए तीनों आपस में मिलकर उसे मारने का निश्चय करते हैं। वही वह लड़की छिपकर तीनों की बातें सुन रही थी और थोड़ी देर में उनके सामने आती है और कहती है कि मेरा नाम लैन है, दरअसल द हेक्सा ने इसके भाई को कैद कर लिया था, इसीलिए वो अपने भाई को छुड़ाना चाहती है। अब चारों का मकसद द हेक्सा को मारना था, इसलिए लैन उन तीनों को आजाद कर देती है और साथ में मिलकर उसे मारने का डिसाइड करती है। अब आगे हम द हेक्सा को देखते हैं जो अपने योगी बाबा के साथ मिलकर उस प्रिंस को ढूंढ रहा था, जहां उसे अंत में वो प्रिंस मिल जाता है और वह उसे तुरंत मारना चाहता है, लेकिन योगी बाबा उसे रोक लेता है और कहता है कि 4 दिन बाद इसका जन्मदिन है, अगर उस दिन तुम इसे मारोगे तो तुम्हें 20 गुना ज्यादा शक्तियाँ मिल सकती हैं। अब ओट अपने दोस्तों के साथ मिलकर वहाँ जाने का प्लान बनाता है और कहता है कि वह उसी हिडन चैम्बर से महल के अंदर जाएगा जैसे कि वह बाहर आया था। अब वह लोग अपने सफर को आगे बढ़ते हैं और रास्ते में बहुत सारी परेशानियों का सामना करते हुए अंत में उस हिडन चैम्बर तक पहुँच जाते हैं, जहाँ आज ही के दिन द हेक्सा प्रिंस को मारने वाला है, जहाँ ये सब भी चोरी छुपके से उस जगह पहुंच जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक सैनिक आ जाता है जो कि ओट को देखते ही पहचान जाता है। इसके बाद उन सब में फाइट होने लगती है और काफी देर तक फाइट होने के बाद ओट रॉयल प्रिंस को बचा लेता है और उसे बचाकर अपना सारा प्लान बताता है और 9 सत्र का पत्थर भी उसे दे देता है। पत्थर को हाथ में लेकर प्रिंस मुस्कुराने लगता है, जहां हमें पता चलता है कि यहां जो भी हो रहा था सब एक प्लान था, यहाँ कोई भी बंदी नहीं था बल्कि सारे लोग मॉन्स्टर थे जो अलग अलग लोगों का भेष बनाकर इनको गुमराह कर रहे थे। अब मॉन्स्टर के पास 9 सत्र का पत्थर आ गया था। यह सब देखकर मंगे को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वह उसे मारने जाता है, लेकिन द हेक्सा उसे पकड़ लेता है। इसके बाद द हेक्सा सभी लोगों को पकड़कर पत्थर को आग में डाल देता है, जिसके बाद द हेक्सा लाल राक्षस के गर्लफ्रेंड को उसके सामने लाता है और वह उस लड़की को आजाद करने के बदले अपने सारे दोस्तों को मारने का आदेश देता है, जहां लाल राक्षस मजबूर होता है और वह कुछ भी नहीं कर पाता। उसके कुछ न करने पर द हेक्सा उसके गर्लफ्रेंड को वहीं मार देता है। यह देखकर उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वह तुरंत उसे मारने के लिए उसके पास जाता है, जहां दोनों में जोरदार फाइट होने लगती है। वही ओट किसी तरह से उस पत्थर तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन वह पीढ़ियों से बंधा हुआ था। तभी वहां पर एक फरिश्ता आता है और उसे आजाद कर देता है। इसके बाद ओट पत्थर को लेकर सीधे द हेक्सा के पास आता है, लेकिन द हेक्सा एक ही वार में ओट को अधमरा कर देता है और वही 9 सत्र का पत्थर भी टूट चुका था। यह देखकर सारे लोग हैरान हो जाते हैं, लेकिन कुछ ही देर में पत्थर के टुकड़ों में चमक आने लगती है और सारे टुकड़ों की पावर ओट के अंदर आकर लग जाती है, जिससे वह पूरी तरीके से ठीक हो जाता है और उसके अंदर बहुत शक्तियाँ आ जाती हैं। उसे ठीक देखकर सभी लोग शॉक हो जाते हैं, जिसके बाद ओट तुरंत द हेक्सा से फाइट करने लगता है, जहाँ दोनों में बहुत खतरनाक वाली फाइट होती है। लेकिन कुछ ही समय बाद ओट द हेक्सा को मार देता है। उसके मरते ही सारे लोग बहुत खुश हो जाते हैं, क्योंकि वहाँ के लोगों को जो आज़ादी मिलनी चाहिए थी वह नहीं मिल पा रही थी। अब सारे लोग काफी खुश रहते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको इस मूवी का एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी हम मिलते हैं एक नए दिन एक ऐसे ही धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।